विद्यार्थ्यांनो, आता आपण इयत्ता 6वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 4 दोन भाऊ याचा अर्थ समजून घेऊ। एका शेतकऱ्याला दोन मुले होती। एक किसान को दो लड़के थे। शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर किसान के मरने के बाद दोघांनी जमीन वाटून घेतली। दोनों ने जमीन आपस में बाटली। वो ते दोघे वेगवेगळे राहू लागले और वो दोनों अलग अलग रहने लगे। ते जरी वेगळे झाले तरी त्यांचे एकमेकावर फार प्रेम होते और वो जब अलग भी हो गए तो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। शेतातील धान्याची मळणी झाल्यावर, मतलब खेत में जो फसल आई हुई थी उसकी कटाई साफ सफाई होने के बाद दोघांनी धान्य पोत्यामध्ये भरून वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवले। दोनों ने अनाज को पोतों में भर कर अलग अलग जगहों पर रख दिया। दोपहरी मोटा भाऊ शेतात आला। दोपहर के वक्त बड़ा भाई खेत में आया। यंदा पीक चांगले झाले, यानी इस बार इस साल फसल अच्छी हुई। त्याच्या मनात विचार आला। उसके मन में ख्याल आया, धाकट्याचा अजून लग्न झाला नाही। धाकट्याचा मतलब छोटे भाई का, अभी तक शादी नहीं हुई है। शेतीचे सर्वशरम एकट्यालाच करावे लागतात, और शरम यानी मेहनत। खेत की सभी तरीके से काम उस अकेले को ही करने पड़ते हैं। तेव्हा त्याला आपल्या वाट्यातून काहीतरी दिले पाहिजे। इसके लिए उसे अपने हिस्से में से कुछ तो भी देना चाहिए। असा विचार करून मोठ्या भावाने, ऐसा ख्याल करते हुए बड़े भाई ने आपल्या वाटणीच्या पोत्यामधून 5 पोती छोट्या भावाच्या पोत्यांच्या थप्पीत ठेवून दिली। अपने हिस्से का जो अनाज था उसमें से 5 अनाज के थैले लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई के अनाज के थैलों की थप्पी में रख दिए। प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आज आपण विषय मराठी मध्ये पाठ क्रमांक 4 दोन भाऊ यामध्ये 4 भागांचा अभ्यास केला। तर विद्यार्थ्यांनो, आपण आता पुढची तासिकेत उरलेले भागांचे अभ्यास करणार आहोत।